वाओ, कितने देर से आया है? हेलो, राम राम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। देखिए आज का ब्लॉग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है। आज पतिदेव अपने कपड़े धुल रहे थे, देखिए सारे एकदम झक्कास कपड़े धुल के टांग दिया है इन्होंने, सारे कपड़ों में नील चढ़ा दिया है। ये क्या करते हैं ना, हल्का भी वाइटनेस कपड़ा होता है ना, जिसमें मतलब ये है कि सफ़ेदीपना है, तो ये उसमें नील चढ़ा ही देंगे, इनका फेवरेट है नील। मैं कपड़े धोती हूँ नील नहीं चढ़ाती हूँ, तो मैं कपड़े चेक करने आई थी, कसम से फ्रेंड्स इतना झक, इतना साफ़ इन्होंने साफ़ किया है कि क्या बताऊँ। जब कभी कभी कोई काम करने को मिलता है ना तो इंटरेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ पूजा करने, क्योंकि ये यहाँ कपड़े वपड़े धुल रहे थे तो मैं थोड़ा लेट नहाई हूँ, तो पूजा पाठ मेरा हो गया है। उसके बाद बच्चों ने चाउमीन मंगा ली है। अरे मैगी, बोले मम्मी कुछ नाश्ता बना दीजिए, आपने बहुत लेट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से मैगी बनाऊँगी। दो मिनट कहने के लिए तो कहते हैं लोग कि दो मिनट में मैगी बन जाती है, बट ऐसा नहीं है, इसमें मुझे आधे घंटे लगे बनाने में। पता नहीं दो मिनट में कौन बना लेता है, मैं नहीं जानती, बट मुझे आधे घंटे लग जाते हैं। तो मैंने अच्छे से छौंक दिया है, सारी चीज़ें डाल दी है, इस पर पानी डालूंगी, क्योंकि मेरे घर में पानी वाली मैगी खाते हैं, मतलब थोड़ा रस्से वाली, तो इसको जल्दी से बना देती हूँ, इन सबको दे देती हूँ। मैं तो इसे खाऊंगी नहीं, तो मेरे लिए कुछ खास है, मेरी सहेली ने भिजवाया है, तो आप सब देखिएगा क्या खास है, मेरा फेवरेट भी है, खास भी है। देखिए बहुत ही यम्मी सी मैगी रेडी हो गई है, हस्बैंड को दे दूंगी, बच्चों को दे दूंगी, ये सब खा लेंगे। तेल थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, कोई भी चीज़ मैं बनाती हूँ तेल ज़्यादा ही हो जाता है, लेकिन इतनी टेस्टी बनी है कि क्या बताऊँ, देखने से ही पता लग रहा है। मैंने थोड़ा सा मतलब स्वाद लिया है, और ये सत्तू है, सत्तू आप लोग जानते होंगे, तो ये मेरी फ्रेंड ने भिजवाया है, तो इसको मैं खाऊँगी। सतुआ इस मौसम में सभी के यहाँ बनता है। कितने देर से आया है? सुबह से कहा स्कूल सुनने का छुट्टी नहीं आ रहा। मैगी खाने के बाद सीधे आ गई हूँ सोनार के दुकान, और लेने वाली हूँ पायल। इतनी अच्छी पायल है फ्रेंड्स, बताइए कौन सी लूँ मैं। तो देखिए फाइनली वहाँ से मैं पायल लेके आ गई हूँ, बहुत महंगी मुझे पड़ी है, आप लोग गेस करिए कौन सी मैंने लिया होगा, बहुत महंगी पड़ी है मुझे फ्रेंड्स, लेकिन ज़रूरी था तो लेना पड़ा। इधर देखिए खाना बनने लगा है। यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ पालक की रसे वाली सब्ज़ी। पालक को मैंने उबाल के पीस लिया है, मसाले मैंने पीस लिए हैं, कढ़ाही चढ़ा दी हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि बाज़ार गई थी वहाँ भी लेट हो गया था, वहाँ से आई तो ये सब भूखे थे, सब हल्ला कर रहे थे कि मैगी खिला के तूने 12 बजा दिया, तो हो जाता है जब मार्केटिंग करने जाओ तो टाइम तो लगता ही है। तो जल्दी से मैंने एक तरफ चावल चढ़ाया और जल्दी जल्दी सब्जी वब्जी काट के छौंकने लगी हूँ, मसाले डाल दिए हैं, और इसको अच्छे से चलाऊंगी, भूनूंगी, उसके बाद फिर डालूंगी पालक जो मैंने उबाल के पीसी हुई है। ये रसे वाली सब्ज़ी पालक की बहुत ही अच्छी लगती है फ्रेंड्स, इसमें पालक का फ्लेवर बिल्कुल नहीं आता है, स्वाद बहुत आता है। ये देखिए मैंने पालक भी डाल दिया है, और लोहे की कढ़ाई है, थोड़ा डार्कनेस रहेगी बट स्वाद बहुत अच्छा रहता है इसका। अच्छे से मैंने पका लिया, उसके बाद आलू डाल दी हूँ। अक्सर मैं आलू तल लेती थी पहले, तब बनाती थी ये वाली सब्ज़ी, लेकिन आज मुझे लग रहा था आलू आलू तलूँगी तो और ज़्यादा ये चिल्लाने लगेंगे कि खाना लेट हो रहा है, मैगी कब की हजम हो गई, तो इसलिए मैंने आज आलू नहीं तला है। इसे ऐसे ही भूनूंगी काफ़ी देर तक, उसके बाद फिर टमाटर डालूंगी। एक सिस्टर बोल रही थी टमाटर पालक में नहीं पड़ता है, पता नहीं डियर सेस पड़ता है कि नहीं, बट मुझे तो पसंद ही नहीं आता बिना टमाटर की सब्ज़ी में, सब में टमाटर डाल देती हूँ, यहाँ तक कि चने का साग जो होता है उसमें भी डाल देती हूँ, क्योंकि खट्टापन आता नहीं है, तो पता नहीं क्यों मैं हर चीज़ में डाल देती हूँ, पड़ता है कि नहीं आप सभी लोग बताइएगा, ठीक है एक सिस्टर बताएं, लेकिन आप सब बताइएगा तो ये लगेगा चलो इतनी सारी जनता है जो इसके खिलाफ है, तो मैं भी टमाटर डालना बंद कर दूंगी। चावल मेरा रेडी हो गया है ये देखिए, और इधर सब्जी भी, आटा गूंध के रोटी सेकूंगी। कुछ बच्चों ने सब्जी चावल ही ले लिया है, वो लोग खा रहे हैं, एक तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया है, दूध बॉयल हो रहा है, इनके लिए रोटियाँ सेकूंगी, और इस सब्जी में ना ज़्यादातर रोटी ही अच्छी लगती है, तो रोटी सेक के मैं भी खाऊँगी, नहीं दोपहर के टाइम में मैं ज़्यादा रोटी नहीं खाती थी, तो अपने लिए भी सीखूंगी इनके लिए भी। और यहाँ देखो थोड़ा अंधेरा सा लग रहा है,
फ्रेंड्स बताइएगा उन दोनों पायलों में कौन सी सबसे अच्छी थी, और ये भी बताइएगा कौन सी मैंने ली होगी। मुझे एक बहुत अच्छी लग रही थी, एक नॉर्मल थी, कुछ ऐसा था। ये सारी पायलें अभी जिनकी शादी होती है वो लोग लेते हैं, बट गहने वहने का मुझे बहुत शौक है फ्रेंड्स। उतना बजट मेरे पास होता नहीं है, नहीं मैं शुरुआत से ही सोने और चांदी के गहनों को ही पसंद करती थी। आर्टिफिशियल मैं कभी भी मायके में ना पहनी हूँ ना यहाँ पहनती थी, लेकिन अभी कुछ दिन से मैं पहनने लगी हूँ, क्योंकि समय सब कुछ इधर उधर कर देता है, तो जैसे समय हो वैसे ढल जाना चाहिए। तो रोटियाँ मैंने सेक दी है, इनको खाना निकाल दूँ मैं भी खा लूँ, और आप लोग पायल को बताना बिल्कुल ना भूलिएगा कौन सा दीदी आप ली हो, ठीक है? पहन के दिखाऊंगी किसी दिन। यहाँ नल बच्चों ने मोड़ तोड़ के बिगाड़ दिया है। मैंने बताया था कई बार ना कि मेरे जेठानी के नाती बच्चे बहू लोग यहीं रहते हैं, तो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो वो आते हैं तो खूब शरारत करते हैं, अम्मा इसे ये कर दे, अम्मा वो कर दे, तो ये होता है चलो ठीक है बच्चे हैं। और बच्चे जब छोटी छोटी शरारत करते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है। बस एक दूसरे से लड़ाई झगड़े ऐसी कुछ हरकतें बच्चे ना करें, शरारतें करें, चाहे मेरे बच्चे हो चाहे किसी और के हो, शरारतें मुझे अच्छी लगती, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे बच्चे होते हैं चाहे जिसके हों। प्यार मैं अपने बच्चों से और अपने फैमिली के जितने भी बच्चे हैं सबसे करती हूँ। बस एक ही मेरा पॉइंट होता है कि वैसी शरारतें करो जैसे बच्चे करते हैं, जवान वगैरह इतना ना चलाओ कि बड़ों को बेकार लगे, क्योंकि शरारतें बच्चों को ही करनी चाहिए, लेकिन अपने से बड़ों से जवान चलाना शरारतें नहीं कहते हैं, इसे दुष्टता कहते हैं। तो मैं तो सभी बच्चों को कहूँगी कि अपने से बड़ों से अगर आप कमंड ना मिले तो दूरी बना लीजिए, लेकिन मुँह और जवान बिल्कुल मत चलाइए, क्योंकि वो सारी चीज़ें याद रहती हैं लाइफ टाइम के लिए, ठीक है फ्रेंड्स? मैं अपने बच्चों को भी कहूँगी और सभी के, क्योंकि जबान चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, मन में वो जो एक छाप होती है छूट जाती कि अरे इस बच्चे ने मुझे ये कहा था। और बच्चों से प्यार बहुत करती हूँ, लेकिन बदतमीजियाँ मुझे नहीं अच्छी लगती, ना मेरे बच्चों की ना किसी और के। और देखो फ्रेंड्स, आपसे बातें करते करते मैं बताना ही भूल गई कि अभी ये शाम का टाइम हो गया है, 3:30-4 बज रहे हैं, मेरे घर का काम होने लगा है, सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है, अभी सिर्फ कपड़े पड़े हुए हैं, 2 बाल्टी मैंने भिगो के रखा हुआ है, तन तो धुल गए, इतने सारे कपड़े रखे हैं, तो अब जा रहे हैं कपड़े धुलने। बच्चों के साथ शुरू हो गई, बच्चों को भी अब देखे देखना पड़ेगा, ये दोनों इधर साइकिल चलाने लगे हैं। अब मैं कपड़े वपड़े धुल लेती हूँ, उसके बाद फिर चाय बनाती हूँ, आप सब बने रहेंगे। तो यहाँ पे मेरी चाय बनने लगी है गर्मा गर्म, और ये भी बोल रहे मैं भी पीऊँगा, बच्चे भी बोल रहे मम्मी थोड़ा थोड़ा बना लीजिए, तो सबके लिए बनने जा रही है चाय, मतलब बन रही है, मैं जा रही हूँ पीने। आप सबसे मिलूंगी कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच। पायल को बताना ना भूलना, बाय।